हेलो एवरीवन वेलकम टू डक्शर कैम आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के एडवांस पी वाई के बारे में ठीक है यार हम लोग एडवांस के पी वाई करेंगे और स्टेटावे बात को शुरू करते हैं हम लोगों को नोट्स वगैरह और पी वाई सारे कहाँ पे मिल जाएंगे इस पी वाई क्यू में डक्शर कैम डॉट इन स्ल्स कोर्सेस पर जाके सब मिल जाएगा तो वहाँ से हम लोग डाउन कर डाउनलोड करके सेल्फ अटैम्प्ट शिफ्ट करके फिर वीडियो देखोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन करना बनता भी है क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो लगाया जा सके आसानी से लग जाए ठीक है चलो हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन है आर द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन द लिस्ट वन सम क्वांटिटीज फॉर द एनबिस्टेंट दे तो orbit, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एनथ ऑर्बिट रेडियस ऑफ द एनेथ ऑर्बिट कैसे डिपेंड करती है जो रेडियस है बोर्स रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है बोर्स रेडियस जो होती है वो रेडियस जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर बाई जेड की प्रपोशनल होती है रेडियस जो होती है वो एन स्क्वायर बाई जेड की प्रपोशनल होती है वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है जेड बाई एन के वेलोसिटी जो होती है वो जेड बाई एन की प्रपोर्शनल होती है ये एकदम फार्मूला तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए याद होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के और टोटल एनर्जी भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए सारी एनर्जी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के इनके डेरीवेशन पर अभी नहीं पहुँच रहे हैं डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है अगर डेरिवेशन ज़रूरत है तो नोट्स को एक बार रेफ़र कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा ठीक है तो ये तुम्हें तो वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है ठीक है अब सवाल को पढ़ना जरा भाई क्या कह रहा है रेडियस ऑफ द एन एथ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट किस पे डिपेंडेंट है ये प्रपोशन लिखते हैं एन स्क्वायर बाई जेड तो एन की पावर टू के तो एन की पावर टू का मतलब टी आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एम वी आर इज इक्व टू एन एच एंट टू पाए तो एन की पावर वन के प्रोपोर्शनल होगा तो इसका आ गया एस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलेक्ट्रॉन एन एन ऑर्बिट वो प्रोपोर्शनल किसके थी एन स्क्वायर बाई और सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की थी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की प्रपोर्शनल थी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि एन की पावर कितनी आ गई माइनस टू आ गई तो माइनस टू लिख दिया पी माइनस पी लिख रहा हूँ पी लिख दें यहाँ पर और पोटेंशियल एनर्जी भी प्रपोर्शन है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा तो तुम्हें तो अगर केवल ये सिंपल फार्मूले पता हूँ तो क्वेश्चन कर सकते हो और क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग द लिस्ट वन एंड टू तो वन का टी आ रहा है ये एकदम सही है और बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अप्रोप्रिएट मैचिंग हमें करनी है जिसमें हमें थ्री क्रॉस थ्री का पैराग्राफ दे रखा है ठीक। इसे देखो क्या इलेक्ट्रॉन एंड करेक्टराइज बाय द क्वांटम नंबर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस थीटा इज द एंड फाइव इज द एजीमुथ इन द मैथमेटिकल फंक्शन गिवन इन द टेबल जेड इज द अटोमिक नंबर एंड एन नॉट इज बोर्स रेडियस तो हमें क्या करना है हमें मैच करना है किससे कौन मैच करेगा और क्वेश्चन को पढ़ के मैच करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा कि अगर रहा है फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम वन द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेशी ओनली करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है तो ओनली करेक्ट ऑप्शन के लिए देखो जरा फोर फोर आर कह रहा है फोर फोर आर कह रहा है फोर फोर कह रहा है डी जेड स्क्वायर के लिए कह रहा है एक्स वाई प्लेन इज ए नोडल प्लेन ये तो नहीं होता डी जेड स्क्वायर के लिए नोडल प्लेन नहीं होता तो ये तो गलत हो गया ठीक ऑप्शन चेक करने से यही होगा क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन परमिनेशन बना नहीं पाओगे दूसरा करें टू टू पी टू एस ऑर्बिटल के लिए वन रेडियल नोड होता है बिल्कुल एन नंबर ऑफ़ रेडियल नोड्स कितने होते हैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर ऑफ रेडियन नोड्स कितने होते हैं नंबर ऑफ़ रेडियल नोड्स होते हैं कितने एन माइनस एल माइनस वन यानी कि टू माइनस जीरो माइनस वन यानी कि वन तो वन रेडियल नोड होगा और इसके एक रेडियल नोड का ये ग्राफ भी होगा वो इसी तरह से बनेगा तो ये बिल्कुल सही बात बनी लिखी है इसे हम सही मानते हैं है ना अगर तुम्हें टू एस का फंक्शन वेव फंक्शन याद आ रहा हो तो कुछ इस तरह का तुम्हें याद आ रहा होगा साई टू एस इस टू जेड बाई ए नॉट की पावर थ्री बाई टू वन माइनस जेड आर बाई टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस जेड आर बाई टू ए नॉट इस तरह का होता है कुछ कुछ फंक्शन मतलब बिल्कुल एक्जैक्टली सेम मैंने शायद कोशिश करके सही लिख दिया लेकिन याद ना भी हो तब भी तुम ये समझ पाओगे कि क्या होगा कि एक ही रूट आएगा एक बार फंक्शन नीचे चला जाएगा तो डिप मार के कभी ऊपर आने का नहीं है तो टू सही हो गया तो बाकी थ्री को और फोर को चेक करने की जरूरत नहीं है अब वन एस ऑर्बिटल में एक रेडियल नोट कह रहा तो ये भी गलत हो गया इसमें कह रहा है थ्री का थ्री टू पी ऑर्बिटल में थीटा आ गया और पी पी में टू पी ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोट होंगे टू पी ऑर्बिटल में जीरो रेडियल नोट होंगे तो इसमें एक तो एक रोड नोट आ रहा हमारा तो ये भी गलत हो गया अगला क्या कह रहा है फॉर हीलियम माइंड द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज अब इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताना इनकरेक्ट क्या होगा इनकरेक्ट के लिए देखो जरा वन एस ऑर्बिटल के लिए वन एस ऑर्बिटल के लिए कभी भी थीटा नहीं आ सकता थीटा हमेशा पी या डी ऑर्बिटल के आएगा तो वन के साथ थ्री का कॉम्बिनेशन होगा तो वो गलत हो जाएगा तो वन के साथ थ्री का कॉम्बिनेशन कौन सा आ गया यार आ गया तो इनकरेक्ट ऑप्शन बता दिया ठीक अगला सवाल क्या कह रहा है अगला करें फॉर हाइड्रोजन आइटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज अब हाइड्रोजन आइटम के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है तो जरा ध्यान से देखना कि हाइड्रोजन आइटम को ऊपर के देख लेते हैं हाइड्रोजन आइटम के लिए वेब फंक्शन तो यही होगा ठीक और <coughs> जो ग्राफ होगा वो ये नहीं हो सकता ठीक ऑप्शन क्या क्या दे रखे ऑप्शन दे रखा वन फोर और आर वन फोर और आर वन के साथ फोर और आर ये तो गलत ही हो गया फिर दे रखा वन वन पी वन वन पी भी गलत हो गया ठीक ऑप्शन जो दे रखे वन वन पी दे रखा वन वन आर दे रखा और उसके देखा टू वन क्यू टू वन क्यू तो सही बात टू वन क्यू भी गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि एक रेडियल नोट के साथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो न्यूक्लियस पे वन अपॉन ए क्यूब की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाएगी मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लाएगी ये तो बात सही लिखी है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम कह रहा है तो हाइड्रोजन लाइक -like एटम के लिए टू वन अच्छा टू का साथ वन का तो एक फंक्शन ही नहीं है टू वन क्यू है ना ठीक टू वन क्यू है नीचे देख लो टू वन क्यू दे रखा टू वन क्यू है तो ये भी, है, ये भी सही नहीं है ये भी सही नहीं है ये भी सही नहीं है तीनों नहीं सही हुए तो चौथा अपने आप सही होगा वन वन एस है तो वन वन एस को एक बार अगर क्रॉस वेरीफाई करोगे तो वन वन और एस एस क्या कराया था एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इक्व टू 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 एन इक्व टू फोर इज ट्वेंटी सेवन टाइम्स ट्वेंटी सेवन बाई थर्टी टू टाइम्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इक्व टू टू एन इक्वल टू सिक्स तो एनर्जी के लिए क्या करते हैं एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं एनर्जी इज इक्वल टू लिख लेते हैं क्या जेड स्क्वायर मतलब ऐसा लिख लो वना अपॉन लैम्डा लिख लो पूरा यहाँ पे आर एच इंटू जेड स्क्वायर वेव लेंथ ही निकाल लेते हैं कहाँ से कहाँ कह रहा है टू से फोर कह रहा है तो टू से निकालने फोर निकालने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर फोर माइनस वन अपॉइन्ट सिक्सटीन इससे आ जाएगा कितना ट्वेल्व बाय सिक्सटी फोर इंटू आर एच इंटू जेड स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा वन अपॉन्ट लैमडा आर एच इंटू जेड स्क्वायर वन अपॉइन कहाँ से कहाँ ले जाना है तो ना ना टू से सिक्स ले जाना है तो फोर माइनस वन अपॉइंट थर्टी सिक्स तो ये आ जाएगा थर्टी टू बाय फोर इंटू थर्टी सिक्स डिवाइड कर दो दोनों को दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा यह आ जाएगा ट्वेल्व अपॉन सिक्सटी फोर इंटू फोर इंटू थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई थर्टी टू तो यह आ जाएगा बारह चार से काट दिया सोलह और चार से काट दिया चार चारती हैं बारह ना तो सत्ताईस बटे बत्तीस आ गया तो उसका रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा रेशियो डबल आ जाएगा क्योंकि हमने लेमडा निकाला और वेव हमने लेमडा निकाला और एनर्जी क्या होगा रिवर्स होगा इसका ऑर्डर तो थर्टी टू बाई सही आ जाएगा तो ये थर्टी टू ट्वेंटी सेवन बाई थर्टी टू आया तो क्या ये ठीक तो आंसर क्या आ गया डी आ गया सही इसका ठीक है मतलब इसे आसानी से करा सकता था लेकिन तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए थी कि थीटा कैसे डिपेंड करता है इस्फेकल के लिए थीटा नहीं यूज़ होता है और बाकी पी और देट के लिए पी और डी के लिए थीटा यूज होता है अगला क्या कह रहा है अगला कह रहा है द पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन स्फेरिकल सेल एट इनफाइनाइट इनफाइनाइट सिमल इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट सिमल थिकनेस डी आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज फोर पाई आर स्क्वायर डी आर द क्वालिटेटिव स्केच ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ पी ऑन अब पी आर पर कैसे डिपेंड करती प्रोबेबिलिटी क्या होगी न्यूक्लियस पे जीरो होगी तो देखो यहाँ न्यूक्लियस पे मैक्सिम आ गई तो ये गलत हो गया ये जीरो आ गई यहाँ पे भी मैक्सिम आ गई तो ये गलत हो गया इन दोनों में से कोई एक होगा तो हम जानते हैं बेल शिफ्ट कर बनता है तो आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज अब इसमें देखो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा अब प्रूफ करना पड़ेगा तो प्रूफ कैसे करेंगे ये देख लेते हैं भाई कि प्रूफ कैसे करेंगे देखो काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर कानेटिक एनर्जी कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर अब जो एम वी स्क्वायर है तो वी की वैल्यू निकाल लो वी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी <coughs> एक इक्वेशन हमें पता है एम वी आर इक्व टू एन एच अपॉन टू पाई तो यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो वी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी एन एच अपॉन टू पाई एम आर के बराबर इसे उठा के यहाँ पर पुट कर देता तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी M v की वैल्यू हो गई <coughs> तो गया तो यह आ गया वन बाई टू अपॉन वन बाई फोर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इन टू आर स्क्वायर इतनी बात क्लियर हो गई और एक एम और बचा था एम नीचे बचा था ठीक अब हमें ये पता है कि आर इज इक्वेस्ट क्या है ए नॉट इंटू एन स्क्वायर वाई जेड होता है आर के बारे में हमें यह पता है अब जेड कितना है वन है और एन की वैल्यू कितनी है टू तो आर की वैल्यू कितनी है फोर ए नॉट तो यहाँ पे फोर नॉट पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी वन बाई एट इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड किसके बराबर पाई स्क्वायर इंटू फोर ए नॉट का होल स्क्वायर एम एन की वैल्यू टू दे रखी है तो वन अपॉन एट इंटू फोर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर इंटू फोर लिख दें और लिख दें पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर तो फोर से फोर कैंसिल हो गया तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी आ गई किसके बराबर वन अपॉन थर्टी टू इंटू एच स्क्वायर पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर तो देख लो ऐसा आंसर कोई आ रहा क्या ये आ गया देखो आंसर सी आ गया ठीक तो आसानी से ड्राइव करने वाले क्वेश्चन है एडवांस है यार ड्राइव तो करना ही पड़ेगा कोई और रास्ता बस्ता नहीं है क्या कह रहा है अगला पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है कह रहा है द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज एल आई टू प्लस इज इन ए स्पेरिकल सिमेट्रिकल स्टेट एस वन अब इस्पेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट अगर एस वन है तो ये कौन सा है ऐसा ऑर्बिटल है अगर स्पेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट है तो क्या है एस ऑर्बिटल है विद वन रेडियल नोड वन रेडियल नोड है और ऐसा ऑर्बिटल है तो यानी कि टू है सिंपल बात अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट द आयन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम टू स्टेट एस टू द एस टू स्टेट वन रेडियल नोट एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम ठीक सही है तो पहला क्या कर रहा है एस वन स्टेट कौन सी है एस वन टू है टू एस एस वन तो सीधी आ गई टू एस अगला क्या कर रहा है दिनर्जी ऑफ एस वन स्टेट इन द यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज तो अगर हमें इसे निकालना हो तो हम क्या करेंगे एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी होती एनर्जी <coughs> को हम क्या लिख सकते हैं एनर्जी को हम लिख सकते हैं के इन टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन आइटम हाइड्रोजन आइटम क्या होगा जेड इक्व टू वन हो जाएगा और एन इक्वल टू वन हो जाएगा तो ई एन जो होगी वो किसके बराबर होगी K के के बराबर अब एस वन स्टेट की एनर्जी अगर निकालें एस वन स्टेट ऑफ एल आई टू प्लस तो उसके लिए जेड कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा Z तीन हो जाएगा तो एनर्जी कितनी आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी K इन टू के और n की वैल्यू कितनी है इसके लिए n की वैल्यू टू है K इंटू नाइन अपॉन फोर तो यह आ जाएगा टू पॉइंट टू फाइव के तो एनर्जी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी टू पॉइंट टू फाइव के आ जाएगी ठीक अगला क्या कर रहा है अगला कर रहा है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टेट टू एस टू अब स्टेट एस टू थ्री की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैं कितना हो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा एल फाइंड आउट करना पड़ेगा अब हमें यह बताएगी एस टू स्टेट के लिए हायर एनर्जी लेवल में जेड की वैल्यू तीन है एन स्क्वायर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या हो गया के क्योंकि एस टू में एनर्जी बराबर थी तो एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई एन की वैल्यू आ गई थ्री के बराबर तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया ऑर्बिटल एंगुलर मो मोमेंटम कर रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पूछ रहा है सॉरी मैं मोमेंटम बार बार कह रहा हूँ आगे पढ़ ही नहीं रहा हूँ मोमेंटम क्वांटम नंबर कितना आ गया एन इक्वस टू थ्री के लिए एल की वैल्यू कितनी L की आ गई एल की वैल्यू आ गई वन क्योंकि स्टेट कौन सी थी थ्री माइनस एल माइनस वन इज इक्व टू वन था ऊपर दे रखा है कि इसमें कितने नोट थे देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा ना एस टू हैज़ वन रेडियल एल नोट अब एस टू में वन रेडियल एल नोट है तो हम क्या मान लेंगे सर थ्री के लिए एल की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी एल की वैल्यू वन आ जाएगी तो सिंपल यानी थ्री पी और था ये ठीक ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? Match the following कह रहा है अगला मैच द फॉलोइंग कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग कह रहा है कि मैच द एंट्रीज इन कॉलम वन विद करेक्टली रिलेटेड क्वांटम नंबर्स इन कॉलम टू इंडिकेट योर आंसर बाय डार्क द अप्रोप्रिएट बबल इन फोर क्रॉस फोर ओ एम आर शीट जो थी वो हमारे पास था है नहीं क्योंकि दो हज़ार आठ का क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग सीधे पी क्यू आर एस लिख देंगे क्या आ रहा है कह रहा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किस पे किस पे डिपेंड करता है क्वांटम नंबर अंडर रूट ऑफ एजीमिथोल क्वान प्लस वन और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करेगा क्यों क्योंकि हमें एम से ये पता लग जाएगा कि उसका डायरेक्शन क्या है और एक से हमें ओरिएंटेशन पता लग रहा है एक से ओरिएंटेशन पता, पता लगता है और एक से डायरेक्शन पता लगता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है एल हमें बताता है ओरिएंटेशन सॉरी मैग्नीट्यूड और एम बताता है हमें डायरेक्शन कह रहा है हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओबिंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो वो किस किस पे -किस पे डिपेंड होगा प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर नंबर पे पे और सब पे ठीक मतलब पी क्यू आर एस पे शेप एंड शेप साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइक हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल तो शेप साइज के लिए शेप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यू और आर साइज के लिए क्या शेप के लिए कौन हो गया एल से साइज के लिए कौन हो गया पी और ओरिएंटेशन के लिए कौन हो गया आर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कह रहा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज पी और एल पे डिपेंड करती आर एन एल होता ना पी और एल कर पी और क्यू पे आर एन एल होता है तो ये सिंपल बात हो गई ठीक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जरा ध्यान से इसीलिए तुम्हें क्वांटम मैकेनिक वाला लेक्चर अगर नहीं देखा तो एक बार देख लो तो सल्ली से उससे काफ़ी मदद हो जाएगी अगला क्या कर रहा है अगला कह रहा है द नंबर ऑफ रेडियल नोट इन नोट्स टू थ्री एस एंड टू पी ऑर्बिटर आप देखो दो हज़ार पाँच में तो सरल क्वेश्चन आया तो थ्री एस में नंबर ऑफ रेडियल नोट्स होते कितना नंबर ऑफ रेडियल नोट्स का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ़ रेडियल नोट्स इज इक्वल्स टू होता है एन माइनस एल माइनस वन तो ये हो गया थ्री माइनस जीरो माइनस वन यानी कि टू और दूसरे के लिए कितना हो गया फॉर थ्री एस हो गया ये और टू पी के लिए कितना हो गया टू माइनस वन माइनस वन यानी कि जीरो टू और जीरो आ गया आंसर आंसर ए आ गया इसका सिंपल है अगला देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या रहा है कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड थ्योरी इज द टोटल एनर्जी के एन इज कैनेटिक एनर्जी वी एन इज पोटेंशियल एनर्जी रेडियस इज आर एन एथ ऑर्बिट ठीक है तो वी एन अपॉन के एन देखना है वी एन अपॉन के एन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस टू टाइम्स कैनेटिक एनर्जी ठीक अब हमें क्या बताना है एन के साथ रिलेशन बताना है इसका हमें क्या बताना है एन के साथ रिलेशन बताना है कि एन की पावर के हिसाब से क्या आ रहा होगा एन एथ हॉर्बिट के लिए तो ये कितना, जाएगा? Minus two तो कितना Minus, आ जाएगा माइनस टू मत लिखना बस यार कितना लिख देंगे कैनेडिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन कैनेडिक एनर्जी किसके बराबर आ गई माइनस टू के बराबर आ गई तो इसका आंसर क्या आ गया आर लिख गया माइनस टू नहीं लिखना आर लिखना ठीक इफ रेडियस ऑफ द एनएथ इफ़ द रेडियस ऑफ इफ द रेडियस ऑफ एन एथ ऑर्बेट इज प्रपोर्शनल टू ई एन रेस्ट टू द पावर एक्स देन वॉट इज एक्स देखो भाई हम क्या करें ई e एन को क्या लिखते हैं ई एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ठीक जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर और जो रेडियस है रेडियस जो किसके प्रोपोर्शनल है रेडियस प्रपोर्शनल है एन स्क्वायर बाई जेड के तो कह रहा है कि अपॉन एन स्क्वायर की पावर एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड ठीक फॉर जेड इक्वल टू वन लेते हैं हाइड्रोन है लाइक एटम कह रहा है तो ये क्या हो गया वन अपॉन एन स्क्वायर की पावर एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ठीक तो ये किसके बराबर आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा माइनस वन के माइनस अगर हम इसकी पावर एक्स की वैल्यू अगर हम माइनस वन रखते हैं तो ये बराबर ही आ जाएगा ना तो ये क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन माइनस वन तो लिखना नहीं है तो क्या हम लिखेंगे क्यों लिखेंगे भाई ये समझ में है कि ये बराबर कैसे हो सकता है ये बराबर तब होंगे जब एक्स की वैल्यू हम कितनी लिख देंगे माइनस वन लिख देंगे माइनस वन ठीक अगला कह रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन द लोएस्ट ऑर्बिट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन द लोएस्ट ऑर्बिटल क्या होगा एल इन टू एल प्लस वन इन एच अपॉन टू पर तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी एल की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी कितनी जीरो तो जीरो का मतलब आ गया पी ठीक जीरो का मतलब क्या आ गया पी आ गया अब वन अपॉन आर एन इज़ प्रोपोर्शनल टू जेड की पावर वाई तो वाई क्या है ठीक तो ये क्या हो गया ये हो गया आर एन किसके प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड के तो वन अपॉन आर एन किसके प्रोपोर्शनल हो गया जेड बाई एन स्क्वायर के ठीक तो जेड बाई एन स्क्वायर के हो गया तो जेड की वैल्यू पावर कितनी आ गई वन आ गई इसमें तो जेड की पावर वन आई तो यानी कि इसका क्या गया? S आ गया ऐसा आ गया इसका क्या गया आंसर ऐसा आ गया सोच के करना था थोड़ा सा बस लैंग्वेज में घुमा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे अगला सवाल देखते हैं भाई अगला सवाल मल्टी कह कर रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्ल्ड सबको पता है एन इलेक्ट्रॉनिक ऑफ द ऑफ हीलियम प्लस हुज एनर्जी एजिमिथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर दिस एनर्जी कितनी है एनर्जी हमें दे रखी है माइनस थ्री पॉइंट फोर एजीमित काउंटर नंबर यानी कि एल की वैल्यू दे रखी है टू और मैग्नेटिक काउंटर नंबर एम की वैल्यू दे रखी है जीरो ठीक और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखी है <coughs> और हीलियम एटम है ठीक तो हीलियम एटम के लिए ई एन इज इक्वल टू होगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर जेड की वैल्यू टू होगी अपॉन एन स्क्वायर इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस थ्री पॉइंट फोर तो एन स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू फोर डिवाइडेड बाई माइनस थ्री पॉइंट फोर तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया ये इससे कैंसिल हो गया तो ये आ गया फोर एन की वैल्यू फोर आ गई तो एल की वैल्यू टू है एल की वैल्यू टू का मतलब कौन सा ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल है तो ये फोर डी ऑर्बिटल है ये एकदम क्लियर बात हो गई तो आंसर कितना आ गया ए तो सही हो गया अब फोर डी ऑर्बिटल में एंगुलर नोट कितने होंगे नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स कितने होते हैं नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स जो होते हैं नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स होते हैं कितने एल तो डी के लिए कितने हो जाएंगे टू तो एंगुलर नोट अगर गए टू रेडियल नोट कितने होंगे नंबर ऑफ रेडियल नोट्स कितने होगा रेडियल नोट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं एन माइनस एल माइनस वन यानी कि फोर माइनस टू माइनस वन यानी कि वन आएगा थ्री तो नहीं आएगा तो आंसर नहीं हो सकता था न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाई द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन टू इलेक्ट्रॉन वे आर द इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं ये नहीं तो ये तो सही नहीं लिखा हुआ है ठीक अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर हीलियम प्लस ए ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ रेडियस वन जीरो फाइव पॉइंट एट पिकोमीटर टू ऑर्बिटल ऑफ रेडियस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर फाइव पिकोमीटर द वेवल्थ इन द इन नैनोमीटर ऑफ द एमिटेड फोटोन ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन ठीक है तो आर एन की वैल्यू हमें पता है आर एन किसके बारे में होता है फिफ्टी टू पॉइंट नाइन एन स्क्वायर बाई जेड क्योंकि हमें पिकोमीटर में देखना और इसकी वैल्यू कितनी रखी 1.05.8 वन जीरो फाइव पॉइंट एट अब कह रहा है हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू तो हम यहाँ पर टू दें तो यह आ जाएगा फिफ्टी टू पॉइंट नाइन एन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वन जीरो फाइव पॉइंट एट तो देखो ये टू टाइम्स चला गया तो एन की वैल्यू आ गई टू यहाँ से एन की वैल्यू टू आ गई यानी एन इक्वल्स टू टू से कहाँ पे हो रहा है ये ट्रांजिशन निकालने के लिए हम क्या करें दूसरे के लिए देखें तो फिफ्टी टू पॉइंट नाइन एन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट कितना दे रखा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर फाइव तो इसे डिवाइड कर दें तो ये ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर फाइव ही आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो गया तो एन की वैल्यू यहाँ से वन आ गई तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है ट्रांजिशन इज़ टेकिंग प्लेस फ्रॉम ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक

तो जो लैमडा आ गया वो आ गया टेन डेज टू द पावर माइनस सेवन अपॉन थ्री पॉइंट टू एट एट तो इसे सॉल्व कर दोगे तो थर्टी पॉइंट फोर इंटू टेन डेज टू द पावर माइनस नाइन मीटर आ जाएगा यानी कि थर्टी नैनोमीटर आ गया राउंड ऑफ कर दिया तो थर्टी नैनोमीटर इसका आंसर लिख गया ठीक सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले हमने जो गिवन रेडियस थी उससे हमने क्या किया एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और एन की वैल्यू जैसे ही निकल आई वैसे ही क्वेश्चन आसान हो गया अगला सवाल क्या करा

के जी में रखना है तो ये हो गया सिक्स इंटू टेन रेस्ट टू द पावर ट्वेंटी थ्री इंटू डेल्टा वी तो यहाँ से डेल्टा वी जब फाइंड आउट कर दोगे तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट टू द पावर माइनस थर्टी फोर इंटू सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री ऊपर चला जाएगा पलट के भाई ये क्या हो ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा फोर इंटू टेन रेस्ट टू द पावर माइनस थ्री इंटू थ्री थर्टी इंटू टेन रेस्ट टू द पावर माइनस नाइन इस पूरे को काट पीट के सॉल्व कर दोगे तो जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड या अग्नि थर्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक वो तो सब कैंसिल हो जाएगा आसानी से कोई दिक्कत नहीं नंबर अच्छे दे रखे हैं ना जैसे थर्टी थ्री और सिक्सटी ये तो आराम से कैंसिल हो जाने हैं ना मैं करके दिखाऊं कर ही लोगे इसे तो छोड़ देता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा इसका थर्टी आ जाएगा इसका भी ठीक अगला सवाल देखता हैं अगला सवाल देखने में गंभीर लग रहा है लेकिन है नहीं कह रहा है द फिगर बिलो इज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल इन एन इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट वॉट इज द वैल्यू ऑफ द नेट पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट इन किलोजूल पर मोल फॉर द डी इज यू कॉल शू डी नॉट एट विच द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड द न्यूक्र रिपल्शन आर द एनर्जी आर एबसेंट मतलब डी क्या है डी नॉट हमारा क्या है इन्फाइनिइट पर है और जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ गई वो आर नॉट है आर है हमारी ठीक एज द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एज द रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एच एम एज जीरो वे आर द इलेक्ट्रॉन इन इट्स इलेवन इट्स इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्स आर एट इनफाइनिटली पार्ट है वैल्यू हमें दे रखी है तो हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा वट इज द वैल्यू ऑफ द नेट पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछी है ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं कितनी किसके बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होती माइनस के इन टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वा माइनस के हाइड्रोजन आइटम की बात कर रहे हैं तो ई अपॉन ई अपॉन आर हो जाएगी तो इसकी वैल्यू जरा निकाल लो भाई इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस नाइन टेन पावर नाइन के वैल्यूट की वैल्यू ई की वैल्यू e कितनी होती है पावर माइनस नाइनटीन का होल स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू हो गई जीरो पॉइंट फाइव थ्री इंटू टेन रेट टू द पावर माइनस टेन ठीक तो ये किसके बराबर आ गया पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ गई किसके माइनस फोर्टी थ्री पॉइंट मतलब इसे स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया फाइव फाइव थ्री एट इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जूल्स पर एटम ठीक अब हाइड्रोजन एटम है कितने दो एटम है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इंटू टू सो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू एच एटम्स कितनी हो जाएगी भाई एक एटम की हमने निकाल ली फिजिक्स सबको आती है फिजिक्स से ही निकालना था तो यह हो गया टू इंटू, इंटू दिस पी तो, तो देट इज माइनस एटी सेवन पॉइंट वन जीरो तो पावर माइनस नाइनटीन जूल पर मॉलिक्यूल आ गई इस बारी फॉर वन मोल कितनी आ जाएगी फॉर वन मोल कितनी आ जाएगी इस नंबर में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स इंटू टेन रेस्टू दिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस्ट टू दावर ट्वेंटी थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर बहुत बड़ा आने वाला है तो फाइव टू फोर पॉइंट सिक्स फोर नाइन इंटू टेन एच टू पावर फोर विद माइनस साइन तो इसे हम लिख हैं कि माइनस फाइव फोर टू सिक्स पॉइंट फोर नाइन इंटू टेन एच टू पावर थ्री जूल्स पर मोल या माइनस टू फाइव टू फोर सिक्स पॉइंट फोर नाइन किलो जूल्स लिखते हैं पर मोल तो यही आंसर हो जाएगा इसका सम्पा, सवाल सिंपल था बस हमें वैल्यू सारी पता ही थी पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था ना फिजिक्स जैसा सवाल था एकदम आराम से निकालने वाला अगला सवाल कह रहा है नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन द डिजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एन एन टू थ्री और हाइड्रोजन आइटम इज नाइन वाइल द डिजेनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज अगर हम इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की डी क्या होगी अगर हम इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कैसा है हाइड्रोजन है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हाइड्रोजन कैसा है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है अब जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन है तो होगा क्या कि उसके लिए एनिक्वल टू वन एक लेवल होगा एक एनिक्वल टू टू होगा एक एनिक्वल टू थ्री होगा तो एनिक्वल टू वन के लिए डी एस सी अगर हम लिखें तो इसमें कौन से ऑर्बिटल हैं इसमें कौन से ऑर्बिटल है केवल एक ही है तो इसकी से एक होगी इसमें कितने है? चार ऑर्बिटल और, और इसमें नौ ऑर्बिटल मतलब एस पी और डी एस पी और डी तो एक तीन और पाँच तो नौ ऑर्बिटल है अब जब हमने क्या किया जब हमने h माइनस ले लिया h माइनस कैसा है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है h माइनस में हम लोग यूज करेंगे ऑफ वाउ प्रिंसिपल ठीक तो तो H- में में हमने जब इलेक्ट्रॉन फिल किया तो 1S में पूरा चला गया दोनों इलेक्ट्रॉन है ना तो तो ये 1S हो गया तो इसकी जो first excited state आई वो क्या है? 2S is first excited state. और हमें निकालनी क्या है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट निकालनी तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट विल बी टू पी टू पी विल बी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अगर टू पी सेकेंड एक्साइडेड स्टेट है तो इसकी डी कितनी है डी जेनेसी डी जेनेसी थ्री ठीक है तीन ऑर्बिटल हैं इसमें जो सेम एनर्जी के खाली हैं एच माइनस के लिए जो कि हाइड्रोजन के लिए नहीं थे तो इसे मिस इंटरप्रेट मत करना सीधा सवाल है आसानी से लग जाएगा अगला क्या रहा है अगला कह रहा है इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर एन इक्व टू फोर जो मॉड ऑफ एम है वो प्लस वन है और एम इसकी वैल्यू कितनी है माइनस आप तो एन इक्व टू फोर के लिए हमें एम कितना चाहिए एम चाहिए या तो प्लस वन चाहिए या फिर माइनस वन चाहिए और एम की वैल्यू चाहिए माइनस वन बाई टू यानी कि हमें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए एक ऑर्बिटल में तो एन इक्व टू फोर के लिए एल कितनी वैल्यू ले सकता है ज़ीरो वन टू थ्री ले सकता है ठीक तो एल इक्व टू जीरो के लिए एम कितना हो जाएगा एम जीरो जब एलिक्वल टू वन होगा तो एम की वैल्यू एम एल की कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी माइनस टू ऑर्बिटल ही बना देता पहले डी ऑर्बिटल होगा डी ऑर्बिटल होगा तो माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन और प्लस टू तो हमें इसकी और इसकी बात करनी इसमें इसकी और इसकी बात करनी है ठीक फिर l 3 है तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी ml की वैल्यू हो जाएंगी कितनी सात वैल्यूज आएंगी f ऑर्बिटल के लिए तो -3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 और 3 बात समझ में आ रही है आसानी से ठीक है ml की वैल्यू तो इसमें हमें कौन-कौन सी लेनी है ये और ये लेनी तो कितनी हो गई 1 2 तीन चार पाँच छह वैल्यू हो गई और छह ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि माइनस हाफ वाला देखना है तो आंसर क्या जाएगा? आ जाएगा सिक्स आ जाएगा मॉड में देखना है लेकिन एम की वैल्यू माइनस हाफ है ध्यान रखना केवल उल्टी स्पिन वाले ही काउंट करेंगे ठीक अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा था एटॉमिक मासेस ऑफ हीलियम एंड नियॉन आर फोर एंड ट्वेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड इज एम टाइम्स द वैल्यू ऑफ डी वेवलेंथ ऑफ एट टू सेवन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड तो डी डिग्रॉगली वेवलेंथ के वेलोसिटी चाहिए होगी तो वेलोसिटी हम गैस की कैसे निकालेंगे थ्री आर टी वाई एम से ठीक तो हीलियम की पहले निकाल लेते हीलियम के लिए कितना है थ्री इंटू आर टी इन टी की वैल्यू कितनी है टी की वैल्यू माइनस सेवेंटी थ्री यानी कि टू हंड्रेड अपॉन फोर तो आ गया अंडर रूट ऑफ कितना फिफ्टी इंटू थ्री आर टी ठीक ऐसे लिख लें फिफ्टी इंटू थ्री आर टी लिख लें और वेलोसिटी ऑफ नियॉन निकालने नियॉन कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ थ्री आर टी की वैल्यू है थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी तो ये भी फिफ्टी आ गया तो वेलोसिटी दोनों की कैसी आ गई सेम आ गई तो डी प्रॉग्ली वेवलेंथ का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा मास रेशियो आएगा तो लेमडा वन अपॉन लेमडा टू विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी एन वी वन इन टू एम टू वी वन डिवाइडेड बाई एच वन क्योंकि एच तो सेम ही है एच वन दिख रहा हूँ एच ही लिख दो यार एच को तो एच ही लिख दो और एम टू और एम वन में डिफरेंस है वी वन तो दोनों वेलोसिटी सेम ही आ गई तो एम टू बाई एम वन आ गया तो एम टू बाई एम वन कितना है ट्वेंटी बाय फाइव फोर ट्वेंटी बाय फोर है तो ये किसके बराबर आ गया फाइव के बराबर आ गया वेलोसिटी हमने कहाँ से निकाली ये हमने आर एम एस विलासिटी ले ली है ध्यान रखना तो आंसर कितना जाएगा? 5 आ जाएगा फाइव आ जाएगा ठीक अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है द वर्क फंक्शन फाइव ऑफ़ सम मेटल इन लिस्टेड बिलो द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रीफेक्ट वेन द लाइट ऑफ थ्री हंड्रेड नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल तो हम क्या करें अगर हमें पता है कि अगर किसी को भी हमें वर्क फंक्शन में कन्वर्ट करना है मतलब काम करना है तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो वेव लेंथ है वो किसी को नहीं चाहिए फाइव से ज़्यादा होना चाहिए उससे एनर्जी जो आ रही है तो भाई जो लेमडा से एनर्जी आ रही है वो फाइव से ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो वो वर्केबल रहेगा तो, रहे तो कैसे निकालेंगे ईक्व टू एस सी अपन लेमडा कर दें तो हो गया माइनस थर्टी फोर इंटू थ्री इंटू टेन रेस्ट टू दावर एट 9 तो इससे कि फोर पॉइंट वन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई अब फोर पॉइंट वन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट डालें तो कौन कौन फोटो इफेक्ट शो करेंगे जिनके लिए फाइव की वैल्यू कम होगी तो एक दो तीन चार लोग शो कर पाएंगे बाकी कोई नहीं शो कर पाएगा ठीक अगला क्या कह रहा है द नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम है फॉर एन इक्वल टू थ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी थ्री एन स्क्वायर यानी कि एटीन अब एटीन में हम लिखेंगे कैसे वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी और थ्री डी तो सब में इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं तो हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा हो, मतलब माइनस हाफ वाला होगा तो कितनी आ एक दो तीन एक प्लस एक प्लस तीन प्लस एक प्लस तीन प्लस पांच काउंट कर लो सब काउंट कर लोगे तो कितने आ जाएंगे एन एनिक्वल टू थ्री लिखनी है ओ सॉरी एन एनिक्वल टू थ्री लिखना है यार तो इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी एन इक्वल टू थ्री की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी एनिक्वल टू थ्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनक्वेश टू थ्री एनीकोस टू थ्री में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए मैंने सारे उसके निकाल दिए एटीन इलेक्ट्रॉन आ गए यही एटीन इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक आ गया तीन आ गया और पाँच आ गया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए नौ आ गए मैंने वो सारे लिख दिए थे यार मेरे को लगा वन से थ्री तक निकालना है तो वन थ्री पी थ्री एस थ्री पी और थ्री डी वाले लेंगे तो थ्री एस थ्री पी थ्री डी वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए नौ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी क्वांटम नंबर कितनी होगी माइनस वन बाई टू होगी ठीक तो आंसर नाइन आ जाएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी इसका क्वेश्चन नंबर ये नाइन है यार है ना ये नाइन कर लेना ठीक फाइंड द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द वोर्स ऑर्बिट तो वोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो हमें पहले से ही पता है कि वी एन इन द वोर्स ऑर्बिट ऑफ रेडियस ए नॉट तो कितनी होती 10 है टू पॉइंट टू द पावर सिक्स मीटर पर सेकंड ये तो हमें याद ही है वैल्यू आई फाइंड द डी ब्रॉगली वेव लेंथ इन नैनोमीटर तो वेव लेंथ कैसे निकालेंगे लेमडाइज टू एच अपॉन एम रख देंगे एच की वैल्यू हो गई सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर अपॉन एम की वैल्यू हो गई नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी वन और वे हो गई टू पॉइंट वन एट इंटू टेन पावर सिक्स तो इससे जो वेव लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी पॉइंट थ्री थ्री टू इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन यानी कि थ्री पॉइंट थ्री टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर यानी कि हमें किस में निकालनी मीटर में ही निकालनी तो थ्री पॉइंट थ्री टू लिख देंगे ठीक और कह रहा फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पी ऑर्बिटल इन द यूनिट्स तो ऑर्बिटल तो एंगुलर मोमेंटम होता कितना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता कितना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉइंट टू पाए टू पी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी एल की वैल्यू वन हो जाएगी तो ये कितना जाएगा अंडर रूट ऑफ टू तो अंडर रूट ऑफ टू लिख देंगे ठीक तो ये एटॉमिक के हम लोगों ने 2005 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए आसानी से कोई इसमें प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए ठीक है चलो हम लोग मिलते हैं अगले में हम लोग केमिकल कॉन्टेक्स डिस्कस करेंगे उसके वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे ठीक है चलो मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय